तो राजकारणની કેટલેક મંત્રીમંડળની તો ચર્ચા કરી, પરંતુ હવે બાદ અન્ય સમાચારની કરીશું. સૌરાષ્ટ્ર માટે રાહતના સમાચાર. સૌરાષ્ટ્રમાંથી રેડ એલર્ટની આગાહી હટાવી દેવામાં આવી છે. રાજકોટ, જૂનાગઢ, વલસાડમાંથી રેડ એલર્ટ હટાવવામાં આવ્યું છે. અતિ ભારે વરસાદમાંથી હવે ભારે વરસાદ રહેશે. તો ઓડિશાથી આવતી વરસાદની સિસ્ટમ ફંટાઈ અને આગામી 3 દિવસ કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ રહેશે. પરંતુ સૌરાષ્ટ્રમાં માટે જે રેડ એલર્ટ જે આપવામાં આવ્યું હતું, તે હવામાન વિભાગે સૌરાષ્ટ્રમાંથી રેડ એલર્ટ હટાવી દીધું છે. તે આગાહી હટાવી દેવામાં આવી છે. સૌરાષ્ટ્રમાંથી એટલે કે રાજકોટ, જૂનાગઢ, વલસાડમાં રેડ એલર્ટ હટાવવામાં આવ્યું છે. જ્યાં અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી હતી, એટલે કે અતિથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ હવે રેડ એલર્ટ હટાવી દેવામાં આવ્યું છે. बारिश रहेगा, अगले 5 दिन में भी बारिश रहेगा, अगले 3 दिन में मोस्टली वाइड स्प्रेड रेन रहेगा, लेकिन भारी से अति भारी बारिश मोस्टली साउथ गुजरात और सौराष्ट्र में रह सकता है, जैसे सूरत, भरूच, तापी, नवसारी, भावनगर, गिर सोमनाथ, अमरेली, सारे जगह में हैवी टू हैवी भी रह सकता है और कहीं कहीं जगहों में आइसोलेटेड हैवी भी रहने का संभावना है. मोस्टली आज और कल हैवी टू वेरी हैवी रहेगा, परसों आइसोलेटेड हैवी हो सकता है गुजरात रीजन में, लेकिन सौराष्ट्र कच्छ में बारिश कम हो जाएगा, उसका बाद और फर्दर बारिश कम हो जाएगा. अभी जो हमारा एक सर्कुलेशन है साउथ गुजरात में और मानसून ट्रफ भी अमरेली और बड़ोदरा हो के पास हो रहा है, वो दोनों सिस्टम के कारण से बारिश मिलेगी गुजरात में. अभी 20% डेफिशिएंट है गुजरात स्टेट एज ए होल, और भी कवर होने का संभावना. अहमदाबाद में क्या रहेगा? अहमदाबाद में ऐसे ही लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगा, लेकिन साउथ अहमदाबाद में हो सकता है आइसोलेटेड हैवी हो सकता है. मैम कहीं जगह पर रेड अलर्ट दिया हुआ है? अभी नहीं, कहीं जगह में रेड अलर्ट नहीं है. वो सिस्टम अभी जो उड़ीसा वाला सिस्टम जो अभी फिलहाल वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है, वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्ट एमपी का ऊपर है. मोस्टली वो नॉर्थ का तरफ उसका मूवमेंट है, जिसकी वजह से गुजरात में उसका इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन ज्यादा नहीं रहेगा. अतरफ जामनगर में पूर्व बाद